हमारे चैनल लर्निंग जंक्शन से हमेशा अप टू डेट रहने के लिए सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद से इस घंटे को जरूर दबा लें ताकि हमारा कोई भी वीडियो आप मिस न कर सके। हेलो वेलकम, मैं हूं इमरान और आप सबका हमारे लर्निंग जंक्शन चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अपने इस की पास सॉफ्टवेयर में कैसे हम आइकन चेंज करेंगे, मतलब कस्टम आइकन कैसे लगाएंगे। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कैसे कस्टम आइकन चेंज करेंगे, तो यहाँ पर हम आपको कस्टम आइकन चेंज करना बता रहे हैं। बहुत ही आसान है, लेकिन फिर भी मैंने इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया हूं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। कस्टम आइकन लगाना सबसे जरूरी है क्योंकि कस्टम आइकन से हमें पता चलता है कि कौन सा ग्रुप किस लिए है और कौन सी पासवर्ड किसके लिए है। आपको सिर्फ आइकन देख के समझ में आ जाएगा, आपको कन्फ्यूज नहीं होना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर आप एंट्री कैसे करते हैं, सॉफ्टवेयर कहाँ से डाउनलोड करेंगे, सॉफ्टवेयर की सारी बटन फंक्शन के बारे में कैसे जानते हैं, अगर आपको नहीं पता, डायरेक्ट आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप हमारे लर्निंग जंक्शन चैनल पर जाएं। वहाँ पर एक प्लेलिस्ट है पासवर्ड मैनेजर बोल के, उसमें जाकर आप ये वीडियो के साथ साथ आप बहुत सारी और वीडियो देख सकते हैं की पास का, मतलब इस पासवर्ड मैनेजर सॉफ्टवेयर की सारी वीडियो वहाँ पर है। इस वीडियो के पहले आप उन सारी वीडियो को देख लें, फिर ये वीडियो देखें और इसके बाद की वीडियो देखें, तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगी और आपको पता पहले चल जाएगा कि कहाँ से आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे, कैसे इंस्टॉल करेंगे, बाकी सारी फंक्शन क्या है, कैसे आप एंट्री करेंगे। उसके बाद आप ये पासवर्ड ये वीडियो देखेंगे तो सिर्फ इस वीडियो में आइकन को लगाना आपको बताया गया है, कस्टम आइकन को। तो आप वो वीडियो देख लें, फिर ये वीडियो में आएंगे तो आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो में बताते हैं कि आप कस्टम आइकन कैसे लगा पाएंगे। तो आइए हम सबसे पहले अपने इस पासवर्ड मैनेजर को, की पास को हम ओपन कर लेते हैं। तो हम अपना यहाँ पर पासवर्ड टाइप करते हैं और उसके बाद से एंटर प्रेस करते हैं। तो ये देखिए हमारा जो पासवर्ड है, पासवर्ड मैनेजर की पास, वो खुल चुका है। अब हम इसमें बात करते हैं कस्टम मतलब आइकन के बारे में। जैसे कि अगर हम यहाँ पर फेसबुक का यूज कर रहे हैं, फेसबुक का ये सारी है, तो इसमें हम फेसबुक का बटन कैसे लगाएंगे, मतलब ये जो आइकन है कैसे हम चेंज करेंगे, इसकी आइकन को कैसे चेंज करेंगे। जैसे इंटरनेट यहाँ पर लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हम इसको एडिट ग्रुप करके यहाँ पर हम फेसबुक कर देते हैं, ताकि हम अपने सारी फैमिली की जितनी भी फेसबुक अकाउंट है वो सारी अकाउंट को हम इसमें मैनेज करेंगे। अब यहाँ पर हमें आइकन चेंज करना है, तो आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जो आइकन आपको पसंद है वो आप आइकन यूज कर सकते हैं। लेकिन हमें कस्टम यूज करना है, तो कस्टम यूज करने के लिए कस्टम पर क्लिक करना पड़ेगा। आपको कस्टम पर क्लिक करने के बाद से ऐड पर क्लिक करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले आपको गूगल में आना पड़ेगा और यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा फेसबुक और सर्च करना पड़ेगा इमेज में, मतलब ये इमेज रहा, इस पर क्लिक करेंगे और फेसबुक में सर्च करेंगे। तो यहाँ से हम कोई भी एक आइकन सेव कर लेंगे, जैसे कि ये वाली हम इस पर क्लिक करते हैं और जब बड़ी हो जाती है तो हम इसे राइट क्लिक करके सेव कर लेते हैं और इसे हम डाउनलोड में सेव कर रख लेते हैं। अब हमें यहाँ पर ऐड पर क्लिक करना पड़ेगा और हमने डाउनलोड में फेसबुक सेव किया था, तो डाउनलोड में आते हैं, ये डाउनलोड और ये फेसबुक पर ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये आ गई, अब हम यहाँ ओके कर देते हैं और यहाँ से भी ओके कर देते हैं। अब देख सकते हैं कि फेसबुक में एफ लग चुका है। वैसे ही सिंपल हम यहाँ पर भी हम क्या करेंगे कि यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे और उसके बाद से इस आइकन पर क्लिक करके हम यहाँ से अपना आइकन, ये जो कस्टम आइकन है ये वाली फेसबुक का, यहाँ पर ओके कर देंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। देखिए यहाँ फेसबुक लग गई। सिंपली इस पर भी हम वैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पर आइकन पर, और ये कस्टम आइकन हमने ऑलरेडी ले चुका है, यहाँ पर ऑलरेडी ले चुके हैं, तो इस पर क्लिक करके ओके कर देंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर ऐप भी लग गया। सिंपल आपको जीमेल में भी वैसे ही करना पड़ेगा, बाकी सारी चीज़ों में वैसे ही करना पड़ेगा। जैसे कि ये बैंकिंग का है, तो हम यहाँ पर गूगल में आएंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे बैंक, इंटरप्रेस करेंगे और बैंक की हमें कोई भी एक इमेज ले लेंगे, जैसे कि ये वाली इमेज हुई, ये वाली इमेज हुई, कोई भी एक इमेज, जैसे ये इमेज मैं खोला और इसे ये वाली इमेज बैंक जो लिखा हुआ है, समझ में आ जाएगा कि हमारा ये बैंक है। राइट क्लिक करके हम इसे सेव कर लेते हैं और सेव करने के बाद से फिर हम इस बैंकिंग पर डबल क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और एडिट ग्रुप पर क्लिक करते हैं, क्योंकि ये ग्रुप है, और फिर यहाँ पर आइकन पर क्लिक करते हैं और ऐड पर क्लिक करते हैं। उससे पहले यहाँ पर कस्टम पर क्लिक करना पड़ेगा, फिर ऐड पर क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ से बैंक पर क्लिक करके हम इसे ओपन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर आ चुकी है, अब ओके कर देते हैं और फिर यहाँ से ओके कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा बैंक का भी जो आइकन है वो चेंज हो चुका है। तो इस तरह आप अपने इस सॉफ्टवेयर में आइकन को चेंज कर देंगे। आइकन को चेंज करने से आपकी सारी सॉफ्टवेयर की लुक चेंज हो जाएगा और आप समझ पाएंगे कि कौन सी मतलब ग्रुप किस लिए है। तो आपको ये वीडियो उम्मीद है कि पसंद आया होगा, क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ मैंने एक आइकन लगाना बताया हुआ हूँ और इससे पहले के वीडियो में मैंने सारी डिटेल बता दी है। यहाँ पर मैंने आइकन लगा दिया और आपको बता दिया कि आइकन कैसे लगता है।
उम्मीद है कि आपको इस सॉफ्टवेयर के बारे में सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कहीं कुछ रह गया हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगा। लेकिन सबसे जरूरी जो वीडियो है वो अगला वीडियो है। जो अगला वीडियो होगा वो लास्ट वीडियो होगा और हमारे इस सीरीज का पांचवा और आखिरी वीडियो होगा। उस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप जो इस सॉफ्टवेयर के डेटाबेस जब बनाएंगे वो डेटाबेस को कैसे सेव करके रखेंगे, कैसे सेफ रखेंगे, मतलब कहीं ऐसी जगह रखें जहां से आप उसे बहुत ही आसानी से एक्सेस कर सकें और डिलीट भी ना हो सके, सेफ रहे, कोई उसे एक्सेस भी नहीं कर सके। तो अगला वीडियो आप जरूर देखें अगर आप जानना चाहते हैं डेटाबेस को कैसे सेव करके रखते हैं। तो इस तरह के वीडियो के साथ हम बहुत जल्दी मिलेंगे। अगर आप हमारे वीडियो को पसंद करते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल के साथ इसी तरह बने रहें और दूसरों के साथ भी हमारे वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।